हाय प्रियो, आज के मेरा ये मैसेज जो है उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में पूरी तौर से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं उनका जीवन कहाँ जा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने देखा, फिलहाल मैं कल या परसों में कुछ देख रहा था, वहाँ पर एक लड़का था जो स्टेशन पर खड़ा था और वो अचानक ट्रेन आई और वो उसने जान दे दिया। तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मैं सोच रहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई रही कि ये लड़का जान देने लगा है? क्या ऐसा हो गया कि ये अपनी जान गंवाने तक ये करने लगा है? फिर मैं कहता हूँ आपके जीवन में, जान देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आपके जीवन में इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो उसका सामना करो। अगर आप जान देते हो तो ये डरपोक चीज़ है, क्योंकि जो सर्वोत्तम या जो भक्कम इंसान रहता है, जो स्ट्रांग इंसान रहता है, वो अपने प्रॉब्लम से हारता नहीं है, लेकिन वो उसको सॉल्व करने के लिए देखता है। पर जान देना ये एक डरपोक चीज़ है और हार जाना ये एक डरपोक चीज़ है, लेकिन उसका सामना करो जो आपके जीवन में आया है। पता है आपको पता भी नहीं रहेगा जो चीज़ से आप डर रहे हो, जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, वो कल रहेगी या नहीं भी पता है, क्योंकि इस दुनिया में कल का हमें कुछ भी नहीं पता है। आज का दिन जा रहा है, यही बड़ी बात है, हमें कल का कुछ भी नहीं पता है। और आप कल का टेंशन सोचकर आज ही जान दे देते हो, आज ही आप हार जाते हो। तो कभी भी हारो मत अपने जीवन में। मैं आपको कई सारे से उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने पढ़ा था APJ अब्दुल कलाम के बारे में, उन्होंने जब उनके जो भी कॉलेज है उनका जो ये था, वहाँ से उन्होंने जब टॉप किया था, जब लास्ट में तो उनका जो पढ़ाई का जो किस्सा था उसमें उन्होंने टॉप किया था, तभी मैंने सुना कि उनको कई बार बड़े बड़े कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको जॉब नहीं मिली, उनको ऐसा नहीं हुआ। सोचो वो बंदा, वो क्या सोचता रहेगा खुद के बारे में, अरे मैंने इतना टॉपर किया है इसमें सब कुछ चीज़ों में और इतना मैं पढ़ाई किया है और ये लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। उसे 3 से 4 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन वो बंदा हारा नहीं और वो फिर से वो काम करने लगा। और वही बंदा जिसको इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा था, उसने जब भी फिर से ट्राई करते रहा और एक जगह पर उसे ऐसी जॉब मिल गई कि वो सर्वोत्तम उसके जीवन का जॉब ठहर गया और आज वो वर्ल्ड का सबसे फेमस वो व्यक्ति है। वो APJ अब्दुल कलाम हमारे जीवन में बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति है, जो आपको भी हो सकते है। आप उनका जीवन देखो कि काफी गरीबी से आए हुए वो व्यक्ति थे और उनका जीवन आज की पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड उनके नाम को जानता है। हम लोग जान सकते हैं अम्बेडकर के बारे में, वो ऐसे व्यक्ति थे जो बस एक जगह पर रहते थे जहाँ पर पूरा अंधेरा था, उनके घर में लाइट नहीं थी, उनके घर में कुछ नहीं था, लोग उन्हें स्कूल में जाने नहीं देते थे, वहाँ पर कुछ उनको बाहर घर से निकलने का भी और लोगों में बैठने का भी सीखने के लिए भी मौका नहीं था। फिर भी वो व्यक्ति वो जो हार रहे उससे हार नहीं गया, लेकिन हारने जो हार उसके जीवन में आई उसको वो लड़ने की कोशिश की और इतनी कोशिश की, इतना वो करते गया जितना उनसे हो सका। जो अम्बेडकर जी है वो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि आज उनके वजह से सारा देश अच्छा और सुरक्षित है। अगर सोचो, वो व्यक्ति सोच दे कि अगर ये मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में वैसा प्रॉब्लम है, मुझे तो स्कूल में भी बैठने नहीं दे रहे हैं, मुझे तो अछूत मान रहे हैं, मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, अगर वो ऐसा सोचते तो कभी जाकर आज ये पूरे इंडिया को इतना बड़ा संविधान नहीं मिल रहा और इंडिया नहीं चलता था, अगर वो हार जाते थे तो सोचो प्रियो, क्या उनसे भी बदतर आपका जीवन है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, लोग में बैठना नहीं है, लोग को छूना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। और वो व्यक्ति आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर। हम लोग सोच सकते हैं ऐसे कई हम लोग ले सकते हैं मोदी जी की बात। अगर मोदी जी की हम लोग बात लें तो वो व्यक्ति कहते एक चाय वाले व्यक्ति थे। क्या सोचो प्रिय, अगर आप एक चाय की दुकान पर अगर काम करते रहोगे तो क्या आप कभी सोच सकते हो कि आप प्रधानमंत्री बनोगे? लेकिन वो व्यक्ति उन्होंने हौसला अपने दिल में रखा, हौसला अपने मन में रखा, उसके ऊपर काम करने लगे और जो प्रॉब्लम उनके जीवन पर आई है उनके ऊपर वो चिड़चिड़ाने लगे। फिर जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है उसको हार करे, उसके उसके साथ दुख मनाकर रोते मत बैठो, लेकिन उसके सामना करो और उससे लड़ो प्रियो, ताकि वो आपके जीवन में आपको बदल सकता है। वो मोदी जी जो एक चाय पर काम कर रहे थे, आज वो पूरे हमारे देश के पंत प्रधान है। अगर वो वहीं पर हार जाते कि अरे मेरे जीवन में मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है प्रियो, तो कभी भी आज वो पूरे देश के पंत प्रधान नहीं बनते थे।
मैं आज आपसे एक ही बात कह सकता हूँ, आपके जीवन में, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, खुद से एक सवाल पूछो। और वो पता है क्या, खुद से एक सवाल पूछो, जो ये प्रॉब्लम आई है मेरे जीवन में, क्या इससे मेरी जान जा सकती है? एक सवाल पूछो, क्या इससे जान जा सकती है क्या? अगर सवाल है कि नहीं, तो क्यों आप डर रहे हो, क्यों आप रो रहे हो, क्यों आप दुख में, क्यों तकलीफ में हो, और क्यों आप उसका सामना नहीं कर रहे हो? जान तो नहीं जाएगी ना, तो करो प्रियो। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, कई सालों से, कई दिनों से आपने माँ बाप ने आपको छोटे से छोटे चीज से संभाल कर ये कर कर बाहर निकाला है, आप छोटे छोटे चीज में जान मत दो। कई लोग जान दे रहे कि उनको प्यार में धोखा मिल गया, और एक लड़की के लिए वो जान दे रहे ताकि उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। अरे सोचो प्रियो, उन व्यक्ति के, महात्मा गांधी जी के बारे में सोचो, वो व्यक्ति पूरे देश के लिए महानता का कारण ठहरा, इसके लिए आज सभी लोग के जीवन में वो जिंदा है, हालांकि वो उसके जीवन के लिए नहीं जिया, लेकिन लोगों के लिए जिया। अगर आपका जीवन इतना सस्ता है कि एक व्यक्ति के लिए आप जान दे दो, और वो भी वो आपका है ही नहीं जो आपको छोड़ कर गया, तो फिर आप, आपके जीवन में बहुत डरपोक हो, मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन ऐसा जीवन जियो ताकि आप मरने के बाद भी लोगों को पता चले कि आप कौन व्यक्ति हो, आपका जीवन क्या है। वो जीवन कोई काम का नहीं प्रियो, बस जियो और मर जाओ। काम करो, थोड़ा कमाओ, बच्चे करो, शादी करो, बच्चे निकालो और उम्र जाओ, ये कोई बड़ा जीवन नहीं है। लेकिन कुछ तो समाज में सुधारने का, लोगों में बदलाव का, हजारों का जीवन का बदलने वाला कारण ठहरो, ये है जीवन। वही महात्मा गांधी भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान थे, अंबेडकर भी हमारी तौर पर नॉर्मल इंसान थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान थे, और हर एक जो बंदा है वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान था। लेकिन उन्होंने चुना कि मैं अकेले के जीकर मर नहीं जाऊंगा, लेकिन कईयों के लिए आशीष का कारण ठहरूंगा, कईयों के लिए भलाई का कारण ठहरूंगा, कईयों के लिए जीवन जीने का कारण ठहरूंगा। तो आज प्रियो आपका जीवन, क्या आप खुद को इतना चीफ समझ लेते हो कि आप जान दे दोगे, आप हार जाओगे? नहीं नहीं, जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम और समस्या आती है, वो आपको हराने के लिए नहीं, लेकिन इसीलिए आती है ताकि आप उसको हरा कर उसके ऊपर ठहर कर आपका अच्छा और भला जीवन बीता। पता है, जब भी आपके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा इश्यूज है, उसको इस तौर पर मत लो कि वो आपको हरा रहे, लेकिन इस तौर पर लो कि वो एक चुनौती है, लेकिन जिस वैसे ही जैसे ही आप उसको पार करोगे, एक नया जीवन आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। पता है, अगर कोई बॉक्सर है, उसके सामने एक हट्टा कट्टा, एक पहलवान आ गया, एक बंदा आ गया, और वो उसको मारने के लिए चुला, वो अगर डर कर छुपने लगे कि यार इतना बड़ा, लेकिन अगर ये सोचो, अगर आपसे कोई, आप उसे लड़कर तो देखो, अगर शायद आपका एक टैक, आपका एक पंच उस व्यक्ति को अगर गिरा दे, तो सोचो आपका जीवन पूरे वर्ल्ड में कितना महान हो सकता है। बस सोच की तुलना है प्रियो, आप आपकी समस्या को समस्या के तौर पर देखते हो, या उसको चुनौती के तौर पर, एक मौके के तौर पर देखते हो। आप जब भी आपके जीवन में समस्या है, उसको एक मौके के तौर पर देखो कि एक अच्छा मौका है मेरे जीवन में। अगर आप ऐसा देखते हो तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा देखते हो तो इससे दुख है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों, मैं कह रहा हूँ प्रियो ये नहीं है, उसको एक मौके के तौर पर देखो, और उसको ही जो आपको, आपका जीवन दबाने के लिए, जो आपका जीवन नष्ट करने के लिए समस्या आई है, उसको ऐसे परिवर्तन करो कि वो इससे ही आपका जीवन अच्छाई में परिवर्तन हो। अंबेडकर को स्कूल में ही नहीं बिठाया जा रहा था, उनको स्कूल के बाहर ही बिठाया जा रहा था, लेकिन वही चीज के द्वारा उन्होंने सारे वर्ल्ड को चेंज किया। पूरा सीख कर, पूरा जान कर, पूरा दुनिया का सबसे शिक्षित व्यक्ति होकर उन्होंने पूरे भारत और पूरे दुनिया को बदला। प्रियो, आज आपको देखना है आपका जीवन कैसा है, आपका लाइफ कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। पता है प्रियो, शायद आप लोग पता नहीं खुदा पर विश्वास रखते हो या नहीं हो, लेकिन मैं क्या आपसे बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी जो भी चीज़ बनी गई है ना, वहाँ पर एक क्रिएटर है। जो भी, अगर यहाँ पर मेरे हाथ में समझो ये माइक है, अगर मैं कहूँ ये माइक मेरे जीवन में अपने आप आ गया, तो क्या ये सच होगा? क्या आप इसे मान लोगे? आप कहोगे कि क्या मूर्ख व्यक्ति ये जो ऐसा बात कर रहा है? लेकिन जब मैं ये कहूँगा ये माइक एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति ने, ऐसी चीज़ ने, ऐसे मशीन पर बनाया, तब आप विश्वास करोगे। तो सोचो, अगर इतना माइक इस दुनिया में ऐसा ही आया, मैं ऐसा कहता हूँ, अगर आप विश्वास नहीं करते हो, तो सारी ये पृथ्वी ऐसी आई, आप कैसे विश्वास कर सकते हो? तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर खुदा है प्रियो आपके जीवन में। जब भी आपके जीवन में बहुत सारा इश्यूज और प्रॉब्लम रहे, आपको आपके फ्यूचर की चिंता सताने लगे, मैं आपसे कहता हूँ, आप एक सोचो, इस दुनिया में इतने सारे पंछी है, इतने सारे जानवर है, इतनी सारी मछलियाँ हैं, उनको एक समय में इतना सारा खाना परमेश्वर प्रोवाइड करता है, वो जो परमेश्वर प्रोवाइड करता है, तो आपको एक टाइम की रोटी और रहने के लिए घर नहीं देगा वो, अगर आप उस पर विश्वास रखते हो? आपको बस उस पर विश्वास करना है कि वो आपका जीवन बदल सकता है, तो वो जरूर आपका जीवन बदलेगा। प्रियो, अगर आपके जीवन में आपको विश्वास है कि खुदा है, सोचो, हम देख सकते हैं ना, ये आकाश के पंछी जो है,
वो कभी उसके जीवन में कभी आपने देखा है कि वो कभी बोते हैं और जमीन में खेत में कुछ गाड़ते हैं, उसके बाद फल लाते हैं, उसके द्वारा वो जीवन बिताते? कभी नहीं, वो मेहनत भी नहीं करते, फिर भी खुदा उनको खिलाता। तो अगर आप और मैं है जो उस खुदा के जो प्रिय व्यक्ति है, तो सोचो वो आपको क्यों अच्छी और भली बातें नहीं देगा, क्यों आपके लिए अच्छा और भला बात नहीं करेगा? बस आपको लेकिन ढूंढना है कि सच में खुदा कैसा है, खुदा क्या चीज़ है, खुदा की अच्छी और भली बातें क्या है। आप उसकी खोज में रहो, आप उसके विचारों में रहो, ताकि वो कह रहा है कि जो उसकी खोज करेगा उसके पीछे सारी बातें चली आएगी, सांसारिक सारी बातें चली आएगी। आप उसकी खोज करो, आप उसको जानो, आप उसे समझो, आप उसे ढूंढो, ताकि वो आपको मिले, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो शायद खुद की जान देने के लिए भी सोचे नहीं, क्योंकि वो खुदा है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। आपके जन्म में हारो नहीं, लेकिन हर एक बात में, हर एक स्थिति में मजबूत और स्थिर खड़े रहो, ताकि जो भी प्रॉब्लम आए उसको आप चुनौती नहीं और एक प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक मौके के तौर पर देखो, कभी वही प्रॉब्लम आपका जीवन अच्छा में परिवर्तन करेगा। ऑल द बेस्ट।